Hey guys, good morning, welcome or welcome back to my channel Pallavi Vlogs. आज है वीकडे मॉमडेट. ऑलरेडी ऑफिस के लिए निकल गए हैं. आई जस्ट वोक अप, गॉट फ्रेशन अप, तो मैंने सोचा कि जल्दी से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं. आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग. कल वाले वीडियो में आपने तो देखा कि मैंने आइस रखा था फ्रीजर में टू सेट इट. अभी जल्दी से हम सुबह सुबह करेंगे आइसिंग. जब तक मैं यहाँ पे आइसिंग कर रही हूँ अपने फेस में, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका हमारे फेस में, त्वचा पे क्या क्या मतलब फ़ायदे होते हैं. तो सबसे पहला तो कि ये है कि आंखों के नीचे की जो सूजन है, लाइक हम जब सुबह उठते हैं जो पफिनेस है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, एंड देन डार्क सर्कल्स कम होते हैं. उसके साथ साथ सन टैनिंग जो होता है वो रिड्यूस करता है, एंड उसके साथ साथ हमारे फेस में एक नेचुरल सा ग्लो आता है. ऑल्सो इट रिड्यूसेस द एक्नी का जो भी प्रॉब्लम है अपने फेस पे. यहाँ पर मैं आईज को डायरेक्ट अपने फेस पे लगा रही हूँ. अगर आपको इससे थोड़ा सा भी बर्न सेंसेशन या फिर ऐसे मतलब थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट नहीं लगाए. द बेस्ट थिंग इज आप पानी के अंदर आईज को रख के देन यू कैन डिप योर फेस, आई वुड सजेस्ट. बट मुझे आईज डायरेक्ट लगाने पे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं वैसे ही यूज़ करती हूँ. तो अभी आप अपने ऊपर है आप कैसे इसको करते हो, एंड ये एटलीस्ट आप वीक में 2 से 4 बार करें, इससे बहुत अच्छा फर्क आपको दिखेगा. Look at the difference. Let's have coconut water. Spill it out. I had my coconut water and अभी ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे. मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से नहावा के रेडी होती हूँ, कि मुझे थोड़ा सा बैंक के काम से बाहर जाना था. डैड कॉल्ड, ही सेड कि ही विल बी कमिंग अराउंड 10:30 टू पिक मी अप, एंड देन जो भी काम है बाहर का वो करेंगे. तो इसीलिए लेट्स गेट रेडी. टाडा, जस्ट अ शॉर्ट गॉट फ्रेशन अप, रेडी भी हो गई हूँ. जस्ट वेटिंग फॉर डैड टू कम. इट इज़ नाउ 10:20, जस्ट ऑन टाइम. अभी बस थोड़ा सा दरवाजा वगैरह बंद कर लेते हैं. जो भी इम्पोर्टेंट सामान है लेके जाने के लिए, लाइक आई नीड टू गो टू द बैंक फर्स्ट एंड एक दो काम और है, वो सब का सामान ले लेते हैं एंड देन विल लीव. तो पापा भी आ गए, अभी हम लोग निकलेंगे, स्कूटी में जाएंगे. सबसे पहले मैं आ गई हूँ जेरोक्स शॉप. यहाँ पे एक मुझे जेरोक्स लेना है फॉर द बैंकिंग पर्पस, जो मैंने ले लिया है. एंड बगल में ही एक बेकरी है, तो मैं अभी बेकरी आ गई हूँ. घर के लिए थोड़ा बहुत सामान ले रही हूँ. ऑल्सो डू नॉट हैव ब्रेकफास्ट ना, तो मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, तो मैंने एक एग पफ बोल दिया है, एक पेटीज. पापा वहाँ पे एक मिठाई खा रहे हैं, तो मैंने अभी एक पेटीज खा लूँगी. दिस इज द एग पेटी. तिलई का ना बहुत टेस्टी होता है. आ गए बाहर से, वापस पहुंच गए घर. अभी मैं चल चल के नीचे जा रही हूँ क्योंकि यहाँ का रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है. ऑल्सो आई एम वेयरिंग माई न्यू सैंडल जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था. पापा पहुंच गए, जल्दी से गेट ओपन करना है. तो मैं
जल्दी से आटे के साथ मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है क्योंकि पापा आज लंच घर पे करने वाले हैं, राइस मम्मा नहीं बना के जाती है, मैं रोटी खा लेती हूँ दिन में, तो मैंने जल्दी से राइस चढ़ा लिया है। अभी ड्रेस चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं। तो मैं तिल्लई बेकरी से जो कुछ स्नैक्स लेके आई थी वो निकाल रहे थे, तो मैंने वहाँ से सबसे पहले एक लिया था बनाना चिप्स का पैकेट, उसके साथ एक ये है बिस्किट एंड और भी थोड़े बहुत स्नैक्स लाए थे, जैसे कि ये वाले है मसाले वाले बिस्किट, बहुत ही यम होता है, दिस इज़ पीनट मसाला कोटेड। और मैं लेके आई हूँ मुरकू, तो ये थोड़े बहुत स्नैक्स आइटम लेके आया है शाम का चटरपटर। हे गाइस, सो राइस वगैरह तो कुक हो गया है, नाउ इट इज़ 1:30, पापा भी थोड़े लेट से खाएंगे ही सेड, तो आई वाज एडिटिंग द व्लॉग, मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है, नाउ आई हैव सम वर्क, तो मैं वही कर रही थी एंड मैंने बाहर से थोड़ी एक पफ खा लिया था, तो आई एम ऑल्सो बिट फुल, आई विल ऑल्सो हैव अ लिटल लेटर, तो अभी फ़िलहाल तो थोड़ा काम कर लेते हैं। हे गाइस, मेरा 40% काम हो गया बट अभी भी 60% काम बाकी है, बट मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी इसलिए मैं पे लंच लेके अपना बैठ गई हूँ। आई एम हैविंग रोटी, दिस इज़ चपाती विद, दिस इज़ भिंडी का सब्ज़ी मम्मा ने बनाया विद दाल, वेरी बेसिक वेरी घर का, एंड आई गेस आई हैव कुकुम्बा, लेट्स हैव अ डिनर, सॉरी लेट्स हैव अ लंच। गाइस, तो मेरा लंच वगैरह सब कुछ हो गया है, मैं वापस काम में बैठ गई थी, पापा जस्ट लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस, इनका ऑफिस है ना, तो जस्ट मुझे बाहर जाना था इसलिए वो आए थे, एंड ही हैड हिज लंच एंड ही इज लीविंग नाउ। हे गाइस, तो देखते थे शाम हो गया, मैं काम करी उसके बाद मैं थोड़ा सा चिल करने लगी थी, एंड इट इज़ 5:30, मॉम डैड भी आ गए हैं नीचे, पापा कार पार्क कर रहे हैं, मम्मा बस क्लाइम कर रही है स्टेयर्स, मैं मेरी बात की एक बार ऊपर आ जाने चाहिए। ये देखिए आ गई है मम्मा ऑफिस से, और कल बस एक दिन ऑफिस जाना है उनको, फिर उसके बाद फिर है वीकेंड, सैटरडे संडे ऑफ। हे गाइस, तो शाम में आई हैड थोड़ा सा निमकी वगैरह, नाउ आई एम वर्किंग, एक्चुअली मेरा काम कंप्लीट ही नहीं हुआ है, मुझे शाम तक करने थे बट तो आई एम डूइंग इट, एंड वाईफाई भी नहीं काम कर रहा, पता नहीं क्यों, फ़ोन में काम कर रहा है, लैपटॉप नहीं काम कर रहा। तो मैं काम कर रही थी बस, अभी और थोड़ा सा बचा हुआ है, ऑलमोस्ट सारा हो गया है, मम्मा यहाँ पे न्यूज़ देख रही है और मम्मा ने डिनर ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मम्मा ने बनाया आलू और सोयाबीन फ्राई, वेरी यम्मी, एंड उसके साथ इसमें राइस है और यहाँ पे है मिलेट्स। हाय, आज बन रहा है ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के लिए हमने जो है ड्राई डेट्स को भिगा के रखे थे, नाउ वी आर कटिंग देम इनटू पीसेस, एंड यहाँ पे हमने सारे जो है मिक्स ड्राई फ्रूट्स ले लिए, जैसे कि कैशू नट, आलमंड, पिस्ता, देन सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट, जो भी घर में थे सब ले लिया है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू रोस्ट इट, तो अभी मम्मा जो है रोस्ट कर रही है सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से, रोस्ट करने के बाद इसे हम ठंडा कर लेंगे, थोड़े से मखाना भी थे जो हमने ऐड कर दिया, then we are going to keep it under the fan to cool down and then we are going to crush it in the mixer। डेट्स भी देते हैं, तो मैंने डीसीड कर लिया है डेट्स को, वी आर जस्ट पुट इन द पैन, साथ में हमने फ्लैक्स सीड्स को भी अलग से रोस्ट कर लिया है टू पुट इट इन द ड्राई फ्रूट लड्डू। डेट्स, किशमिश और थोड़ा सा गुड़, इसको अभी फ्राई करना अच्छा से, फिर डेट्स सारा गल जाएंगे, उसके बाद ड्राई फ्रूट जो है उसको हाफ फ्राई करके उसको पाउडर बनाना, थोड़ा क्रश करना, क्रश करके उससे फ्राई करने के बाद लड्डू बन जाएंगे। इसमें अभी इलायची पाउडर डाले हैं थोड़ा सा, ड्राई करके उसको हल्का पाउडर करके फिर उसमें डाले हैं, तो हल्का फ्लेवर रहेगा, अच्छा लगेगा। अभी जो डेट्स का एक मिक्सचर मम्मा बना रही थी उसके अंदर हमने जो क्रश्ड ड्राई फ्रूट्स है ये सारे डाल दिए, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स इट प्रॉपरली फॉर लाइक 4 to 5 minutes, एंड देन शी इज एडिंग सीसेमे सीड्स, ये है वाइट सीसेमे सीड्स, इसे भी हम इसमें डाल के विल मिक्स इट ताकि अच्छे से कम्बाइन हो जाए। अभी कढ़ाई को उतार के इसको एक प्लेट में डाल लिया, अभी गोल गोल करके लड्डू बन जाएंगे।
ये जो है सारे ड्राई फ्रूट्स लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। विल कीप इट इन द फ्रीजर एंड इसे हम आराम से कभी भी चाहे खा सकते हैं। लाइक वी फिनिश इट विद इन अ मंथ, क्योंकि ज़्यादा दिन भी स्टोर करना सही नहीं होगा। आई होप सो आप लोगों को भी इसका रेसिपी अच्छा लगा हो। हे गाइस, तो मेरा डिनर वगैरह हो गया है। जो मैं आप लोगों को मिलेट्स दिखा रही थी, आई हैड दैट मिलेट्स विद सोयाबीन फ्राई। सो अभी मॉम डैड नीचे गए, नीचे नए टेरेंट्स आए हैं उनसे मिलने के लिए। तो चलिए आज के ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आज का ये नॉर्मल सा डेली ब्लॉग, आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा हो। और अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।